गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर पहुंचकर दूसरे दिन यहां पर लोगों से मुलाकात की, साथ ही रेसिडेंसी कोठी पर लोगों ने उनका साफा बांधकर स्वागत किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के निवास पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सिलावट ने आत्मीय स्वागत किया। गृह और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर में कोरोना नियंत्रण के लिए समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में जिले में कोविड के प्रति जिला प्रशासन के द्वारा जारी कार्यों में पॉजिटिव प्रकरणों का विश्लेषण, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, फीवर क्लिनिक में सैम्पलिंग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, ऑक्सीजन की स्थिति, जिलों में एम्बुलेंस की व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था के साथ अन्य मुद्दों पर अधिकारियों से जानकारी दी। व्यापक जन जागरूकता और कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रबंध पुख्ता करने के निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर वैक्सीनेशन और मास्क लगाने को लेकर जन जागरण करने, जिले के ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड अस्पताल के रूप में बनाने के साथ कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शासकीय और निजी अस्पतालों में बिस्तर की क्षमता बढ़ाने, अस्पतालों में कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के इंतजामों को पूर्ण करने के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के लिए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के प्रशिक्षण के साथ आवश्यकतानुसार जरूरी इंतजाम को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इंदौर कलेक्ट्रेट में कोविड 19 की वर्तमान स्थिति और तीसरी लहर की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, विधायक गण मालिनी गौर, रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, आकाश विजयवर्गीय, विशाल पटेल, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया के साथ जनप्रतिनिधि मौजूद थे। के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और कुछ फ्लाईओवर जो अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करना है और कुछ नए प्रारंभ करना है, ये एक परिकल्पना आज रखी गई है। निश्चित रूप से अभी जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी प्राथमिकता इंदौर की रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अभी कोविड के कारण से सभी प्रभावित हुए, उसमें सरकारें भी हैं। अभी तो मुझे संभावना नहीं लगती है, चूँकि अभी आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा उस कारण से देखा होगा, तो अभी मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी ओर से कोई लाइन आई नहीं है। जब तक लाइन नहीं आई है तब तक मैं चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध होती है पहली प्राथमिकता इंदौर रहता है, हर क्षेत्र में रहता है। ये सच है, हम इंदौर के आभारी हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। इंदौर की जागरूकता के लिए, इंदौर की उदारता के लिए, इंदौर की सहृदयता के लिए मैंने कार्यकर्ताओं की बैठक में भी रात को भी कहा था कि जो भी आता है यहाँ आके मचल जाता है, ऐसा इंदौर शहर है अपना, बहुत अच्छा शहर है। और निश्चित रूप से प्राथमिकता इंदौर रहेगी वैक्सीन में उपलब्धता के ऊपर है। यादव साहब, दरअसल 15 महीने माने 1.5 साल निकल गया। वैसे तो मैं कहूँ तो 15 महीने वो और 15 महीने ये, 30 महीने बहुत बेकार चले गए। दोनों के हो गए थे, एक करोना में, एक कमलनाथ में। इसने विकास को बहुत प्रभावित किया, कमलनाथ जी ने भी और करोना ने भी। कमलनाथ जी सरकार बनते ही क्वारंटाइन हो गए थे, वो वल्लभ भवन से निकले ही नहीं। आ रहे थे वो इंदौर, मैंने सुना था जैकलीन और सलमान के साथ, पर इसी बीच में पता नहीं क्या ग्रहण लगा। रोजगार के लिए आज हमने समीक्षा की है, AKVN का पूरा प्रोजेक्ट आया है और दोनों हाईवे हमारा के बीच में रेलवे लाइन जो नई निकल रही है गुजरात जाने वाली, हमारे कुल बिस्तर बढ़ के अब 10,520 हो गए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए 1500 बिस्तरों की अलग से व्यवस्था इंदौर में की गई है। हालांकि भगवान करेगा कि ऐसी लहर नहीं आएगी, पर फिर भी 42 अस्पताल हमने इसके लिए चिन्हित करके रखे हुए। ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पर 52 करोड़ लागत के 65 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने की है। आज जो हमने समीक्षा की थी वो हमारे लॉकडाउन से, कोरोना कर्फ्यू से प्रभावित गरीबों को राशन को लेकर की थी। लगभग 15 लाख हितग्राही लोगों को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के राशन वितरण की व्यवस्था की। सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित मंत्री द्वय ने, विधायकों ने पात्रता पर्ची के संबंध में भी
अपने अपने सुझाव दिए हैं। पोर्टल के बारे में भी शिकायत दर्ज की थी। मैं समझता हूं कि पात्रता पर्ची और पोर्टल से संबंधित विषय भी जल्दी दूर हो जाएंगे। आज हमने तय किया है कि एक माह के अंदर कोविड से प्रभावित परिवारों में अनुकंपा नियुक्ति एक माह के अंदर इंदौर में हम दे देंगे। महाराजा यशवंतराव अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने का भी आज की बैठक में तय किया। आप सबको ये भी मालूम होगा कि हमारी इंदौर की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चलाया था और उस ऑपरेशन प्रहार में मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रग्स भी करीब 70 करोड़ की जब्त की थी। मादक पदार्थ में MDMA ड्रग्स भी जब्त की थी। आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था 5 को। इसमें अन्य राज्यों के महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात के 33 आरोपी गिरफ्तार किए गए।